नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आप सभी को हमने बताया था कि अतिथि शिक्षक की भर्ती जो है वो चालू हो चुकी है। जैसे ही इसके नए आवेदन फॉर्म इसमें डाले जाएंगे आपको जरूर सूचना करेंगे। तो इसके नए आवेदन फॉर्म डल चुके हैं जिसका एक आदेश भी आया है, वही आदेश बताने वाला हूँ। अगर आपका अधिक से अधिक कमेंट आता है तो कंप्यूटर स्ट्रक्चर की भर्ती कैसे होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और यहाँ पर साथ ही अतिथि शिक्षक नवीन पद है तो आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर जमा करना, सब कुछ जानकारी आपको डिटेल के साथ वीडियो में दी जाएगी। बस आपके अधिक से अधिक कमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों आज हम बताने वाले कि क्या अतिथि शिक्षक के रूप में जो आदेश निकला है वो क्या आदेश है, क्या आदेश में बताया गया है वही बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे ये PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, जहाँ से आप हमें हमारे ग्रुप में जोड़ सकते हैं। लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से निकला है, 5/6/2021 का ये है दोस्तों। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के नवीन पद आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीयन आवेदकों की जानकारी मांगी गई। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षण कार्यरत रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। ऐसे आवेदक अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल में या पढ़ाना चाहते हैं, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप GFMS पोर्टल पर नवीन आप पंजीयन कर सकते हैं। नवीन पंजीयन की किस प्रकार से कर सकते हैं उसका बताया गया है आपको। सबसे पहले GFMS पोर्टल पर चले जाना है, आधार EKYC करना है, शैक्षणिक व्यवसाय योग्यता की जानकारी दर्ज करनी है, पात्रता परीक्षा 2018 उससे उपरांत उत्तीर्ण दर्ज करनी है, पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर संकुल में आपको आवेदन जमा करना है। उसके पश्चात आपका जो है स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। स्कोर कार्ड में जिस स्कोर कार्ड के अनुसार आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अगर आप पहले से पंजीकृत हैं तो पूर्व में पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। नवीन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता दर्ज कर सकते हैं, जैसे आपने MSc से करा और उसके आगे आपने और कोई से शैक्षणिक योग्यता की है तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। संकुल प्राचार्य को आवेदकों द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेज से मिलान कर जानकारी सत्यापन पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जाए। नवीन पंजीयन है तो स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे अधिक संख्या में आवेदन का पंजीकरण हो, पंजीकरण का मैनुअल पत्र का संकलन हो। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई दिनांक 15/6/2024 तक करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आदेश है यहाँ पर आप किस प्रकार से कर सकते हैं। नवीन पंजीयन हेतु आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई, आवेदक द्वारा नवीन पंजीयन हेतु आवेदन वो पोर्टल पर OTP के माध्यम से आवेदन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डबल से इंटर करना है, कैप्चा फिल करना है, उसके बाद OTP डाल देना है। आवेदक के मोबाइल नंबर पर दर्ज OTP आपको सत्यापित कर देना। OTP सत्यापित करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो मोबाइल नंबर फिर से सत्यापित करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर सक्सेस यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आवेदक के यूज़र रजिस्टर्ड होने के उपरांत स्वयं के आधार कार्ड का उपयोग कर EKYC करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड का OTP अपडेट करना है। आधार सत्यापन आवेदन की समस्त जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एवं समग्र ID दर्ज कर देना है। यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर आपको A to Z देखने को मिल जाएगी। GMS पोर्टल पर हम यहाँ पर आपको लाइव करके बता देते हैं। जैसे ही आप GFMS पोर्टल एंटर करेंगे यहाँ पर जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऑफिशियल पोर्टल जो है वो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आप GFMS लिखकर सर्च करेंगे आपके पहली वेबसाइट दिख जाएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर यहाँ पर वेट कर लेना, इसका थोड़ा सर्वर डाउन रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा होगा नवीन पंजीकरण, नया पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। पहले से पंजीकृत है तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमें नया पंजीकरण करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आदेश है वो यहाँ पर आदेश की कॉपी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से स्कूल में कौन से सब्जेक्ट का पद खाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संभावित रिक्तियाँ शाला डाइस कोड वार देख सकते हैं, जिले वार देख सकते हैं, ब्लॉक वार देख सकते हैं, विषय वार देख सकते हैं, ब्लॉक वार रिक्तियाँ आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। आपको जिले वार देखना है कि जिले में कौन कौन से स्कूल में किस सब्जेक्ट का पद खाली है, या फिर सब्जेक्ट वार देखना है कि जिले में कौन कौन सब्जेक्ट का पद खाली है, सभी जानकारी आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नया आप स्कोर कार्ड जनरेट किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके साथ ही अगले वीडियो में बताएंगे कि आप अपने पहले से पंजीकृत
जो स्कोर कार्ड है उसमें आपको नया सब्जेक्ट ऐड करना है या नई क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए SS2 IT का स्कोर कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।